तारीख 22 जनवरी साल 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बरसों से चला रहा भक्तों का इंतजार आखिर 22 जनवरी को खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच क्या आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी बनने जा रही है। बनने वाली मस्जिद की नींव कब और कौन रखने वाला है, ये अभी तक सस्पेंस में है। इसी को लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अयोध्या में जो मस्जिद बनने जा रही है उसकी नींव रमजान से पहले रखी जाएगी और इस मस्जिद की नींव काबा के इमाम ए हरम रखेंगे। इमाम ए हरम वो इमाम साहेब है जो मक्का के पवित्र काबा में नमाज पढ़वाते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो मुस्लिम पक्ष को धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे। उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के रोनाही में धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी। बोर्ड ने सरकार की ओर से दी गई 5 एकड़ जमीन को स्वीकार कर लिया था। बता दें, अक्टूबर में अयोध्या विकास प्राधिकरण की एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लेआउट को मंजूरी मिली थी। धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लेआउट को मंजूरी मिलने के बाद कमेटी के अध्यक्ष अराफत शेख ने बताया कि मस्जिद का स्ट्रक्चर ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। मस्जिद में बड़े बड़े फवारे लगाए जाएंगे जिनको शाम होते ही चलाया जाएगा। ये नज़ारा देखने में भव्य होगा और साथ ही यहाँ पर हर धर्म के लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। आगे उन्होंने कहा कि हमने एक मस्जिद बनाने के लिए सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया है। हम लोगों ने खुद की एक पर्सनल वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर QR कोड होगा। उसके जरिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार अगर दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं। साथ ही अराफत शेख ने यह भी बताया कि मस्जिद परिसर में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा जहां हर धर्म हर मजहब के लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा, जिससे देश में एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा। और इसके अलावा यहां स्कूल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल जैसे 5 कॉलेज भी बनाए जाएंगे और साथ ही यहां वेज किचन भी बनाया जाएगा जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा। बता दें, वेबसाइट के जरिए लोगों के पास चुनने के लिए एक ऑप्शन होगा कि वो मस्जिद के लिए दान देना चाहते हैं या फिर कैंसर हॉस्पिटल या कॉलेज बनाने के लिए दान देना चाहते हैं। अराफत शेख ने कहा कि अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर जो ये मस्जिद बन रही है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। इसमें 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान रखी जाएगी। आगे कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं, नबी को मानने वाले लोग हैं। सरकार ने हमें 5 एकड़ जमीन दी थी, इसके अलावा कुछ जमीन हमने खुद से खरीदी है। कुल मिलाकर 11 एकड़ जमीन में ये प्रोजेक्ट बनेगा जिसे लगभग पूरा होने में 5 से 6 साल का समय लगेगा। और इस मस्जिद का नाम मोहम्मद पैगंबर के नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। नमस्कार।